फाइनली दोस्तों ANM GNM BSc नर्सिंग और पारा मेडिकल का सभी का रिजल्ट आ गया है। वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर या क्रोम पर आना है और यहाँ पे JCECV सर्च करना है लिखकर, और आपके सामने यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड के सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए रिजल्ट खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखिए पारा मेडिकल का भी है, यहाँ पे देखिए पारा मेडिकल, और यहाँ पे देखिए ANM का है, GNM का है, BSc नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक का है। और इसके सामने यहाँ पर देखिए व्यू जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अगर क्लिक हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए हम एक का यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर किसी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इसके सामने ANM पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ANM पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड होना शुरू हो गया है। यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड, यहाँ पे देखिए फाइनली डाउनलोड यहाँ पे होना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे PDF खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ नर्सिंग ANM एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2024, इसी तरह से आप लोग यहां पे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पर भी सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बाद में कल अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे नेम दिया हुआ है, रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, DOB, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, टोटल मार्क्स, CML रैंक, कैटेगरी रैंक, EWS यहाँ पे सभी दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए परसेंटाइल भी इस बार दिया हुआ है, और क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई भी दिया है। जिन स्टूडेंट के यहाँ पे सामने क्वालिफाई लिखा हुआ आएगा वो काउंसलिंग करा सकते हैं, और जिनका नॉट क्वालिफाई यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो देखिए नीचे कुछ स्टूडेंट का नॉट क्वालिफाई, जिनका भी 40 परसेंटाइल से कम आया है वो नॉट क्वालिफाई है, वो इस बार काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए साइड में नोट क्वालिफाई लिखा हुआ है। तो यही था अपडेट, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिए, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से BSc नर्सिंग और पारा मेडिकल का भी डाउनलोड हो जाएगा।